पर राजधानी रायपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने मैं दीनदयाल हूं फिल्म का पोस्टर जारी किया। उन्होंने कहा कि जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक देश के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक चिंतक समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों का भला सोचने वाले मनीषी पंडित दीनदयाल जी जैसे युग पुरुष के जीवन पर आधारित फिल्म मैं दीनदयाल हूं के पोस्टर विमोचन मैंने किया। बता दें कि इस फिल्म के निर्माता रणजीत शर्मा, उप निर्माता सचिन तैलंग, फिल्म के निर्देशक दिनेश कुमार साहू हैं। गरीब कल्याण की योजना अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का विकास कैसे हो, इसको लेकर जो उनका अध्ययन व चिंतन निश्चित रूप से अद्भुत रहा है। और जिन ऐसे जो चिंतक राजनेता समाजसेवी के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, तो ये जो मूवी बनने वाली है वो उसी पर आधारित है। तो निश्चित रूप से पूरे देश को पता चलेगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन थे, उनकी विचारधारा क्या थी और किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई, ये पूरे देश को पता चलेगा। उसके लिए मैं तहे दिल से उप मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ, दिनेश जी का आभारी हूँ, छत्तीसगढ़ का आभारी हूँ और मैं इस मर्डर मिस्ट्री को बहुत अच्छी तरह से दिखाने जा रहा हूँ। फिल्म में पंडित दीनदयाल जी का जो व्यक्तित्व है उसको तो लोग जानेंगे, क्योंकि इतने महान व्यक्तित्व के बारे में लोगों को नहीं मालूम है। और सबसे इस देश की विडंबना कहा जाए कि अच्छे लोगों की जो पहचान है उनके चले जाने के बाद लोगों को होता है। तो ये यूपी में शूट होना है और राजस्थान में शूट होना है, जहाँ जहाँ वो रहे हैं, जहाँ जहाँ उनकी पैदाइश और जहाँ वो पले बढ़े हैं वो सब जगह होना है। मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं जो लोगों को इस फिल्म देख के सीख भी मिलनी है और देखा जाए तो इनके जो व्यक्तित्व के बारे में लोगों को जानकारी मिलेगी। ये कि हमारा छोटा सा प्रयास है, दीनदयाल जी की एक जीवनी को हम एक फिल्म में तो समेट नहीं सकते, बट एक वो विचारधारा है, उस विचारधारा पे हम जो भी काम कर पाएंगे, हमसे जो बन पाएगा हम इसको निभाएंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे निभाने की।